हेलो फ्रेंड्स, रागिनी के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं जिमीकंद का भरता बनाने जा रही हूँ। कुछ लोग जिमीकंद को सुरन कहते हैं, कुछ लोग ओल कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भरता बनाने के लिए हमने 250 ग्राम जिमीकंद लिया है, नींबू, एक प्याज, 8-10 कलियां लहसुन का, हरी मिर्च, नमक और सरसों का तेल लेते हैं। सबसे पहले जिमीकंद को छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं, धो लेते हैं। धो करके इसे कुकर में उबालते हैं। कुकर में मैंने एक गिलास पानी डाला है और ये जो मैंने जिमीकंद काटा था इसको मैं डाल रही हूँ उबालने के लिए। इसके बाद 2 चम्मच के करीब ये आपका अमचूर डाल देते हैं और नमक इसमें थोड़े से डालते हैं क्योंकि ये भात में डाला जाता है। अब इसे बंद करके मैं उबालने जा रही हूँ। जब तक जिमीकंद उबल रहा है तब तक मैं इसकी तैयारी कर देती हूँ। देखिए, ये मैंने सब कुछ काट लिया है। अब मेरा देखने जा रहा है कि मेरा जिमीकंद उबल गया है कि नहीं। जिमीकंद उबल गया, अब इसे मैं मैश करने जा रही हूँ। नमक अंदाज से आप डालिएगा। इसमें देखिए मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ और ये सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। देखिए, भरता तैयार हो गया। इसमें टेस्ट लाने के लिए इसको 2 घंटा धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये मेरा भरता बन गया। इसे मैंने 2 घंटा धूप में रखा था। इसे खाइए, कमेंट लिखिए और अपनी राय दीजिए।